इटावा में बुधवार देर शाम एक रिटायर फौजी ने अपनी 35 साल की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय फौजी के दो मासूम बच्चे घर पर ही मौजूद थे। फौजी पति ने महिला को 3 गोलियां मारी। घटना की चश्मदीद बच्ची ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर SSP, SP, CO, फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल करने पहुंचे। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के न्यू तुलसी नगर मोहल्ले का है। यहां रहने वाले सतीश यादव 2 साल पहले सेना से रिटायर लेकर आए थे। बुधवार रात करीब 8 बजे सतीश का पत्नी सपना से विवाद हो गया। इस पर गुस्साए फौजी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी को 2 गोली सीने में और 1 गोली पेट में मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर 10 साल की बेटी तृप्ति और बेटा युवांक रोने लगे। बेटी ने फोन करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पर SSP जयप्रकाश सिंह, SP सिटी कपिल देव सिंह, CO अमित सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों की पूछताछ में बेटी तृप्ति ने बताया कि पिता को शराब की लत थी। शाम से ही माँ की चेन बेचने के लिए मांग रहे थे। विरोध पर पिता ने आपा खो दिया और माँ को गोलियां मार दी। SP सिटी कपिल देव सिंह ने बताया कि फौजी ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की है। अभी वे मौके से फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से पिस्टल, 3 कारतूस जिंदा और 3 खोखे कारतूस बरामद किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।